अस्सलाम वालेकुम 15 जी, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? वालेकुम सलाम, शुजाबाद शहर दे विच रेल बाजार दे कोल एक कुएं दे विच लाश पई है, बहुत बदबू फैली पई है, जल्दी पुलिस भेजो जल्दी। मोरखा 6/2/23 को 15 पर एक मसलशुदा डेड बॉडी की इत्तला मिलती है। 15 की इत्तला पाकर मैं मौके पर पहुंचता हूं, जहां पर एक डेड बॉडी को बड़ी बेदर्दी से गोलियों से छलनी करके कत्ल कर दिया जाता है और उस डेड बॉडी को एक गहरे कुएं में, जिसकी ऑलमोस्ट गहराई 70 से 80 फुट होती है, उसमें फेंक दिया जाता है। 112 की मदद से डेड बॉडी को वहां से रेस्क्यू किया जाता है और मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात करवाने के बाद लवाहिकीन को तलाश कर लिया जाता है। इस्लामुद्दीन मेरे बड़े भाई थे, एक महीना कब उनको कत्ल कर दिया गया और कत्ल करके कुएं में डाल दिया गया। लाश की शनाख्त नहीं हो रही थी। मेरे भाई को बड़े बेदर्द तरीके से कत्ल किया गया। हम नाउम्मीद हो चुके थे कि हमारे भाई का कातिल मिलेगा या नहीं मिलेगा। चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर केस था और हम एक थाने लेवल पे टीम तशकील देते हैं और उस टीम ने हमारा जो रूट होता है उसकी जो सीसीटीवी फुटेज होती है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा मकतूल के नंबर्स की सीटीआर लोकेशन और हमारे जो सस्पेक्ट होते हैं उनके नंबर की सीटीआर लोकेशन पे काम हम शुरू कर देते हैं और हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं उनकी मदद से हम जो नामालूम मुलजमान हैं जो इस ब्लाइंड मर्डर केस के मरकजी जो किरदार होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुल्तान पुलिस और शुजाबाद पुलिस का कि उन्होंने हमारे साथ तआवुन किया और हमारे भाई के कातिलों को पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार किया।